अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे अचवानी। अचवानी बनाने के लिए हमने लिया है थोड़े से काजू टुकड़ों में कटे हुए, थोड़ा सा खोपरा नारियल बारीक कटा हुआ, थोड़े से छुहारे बारीक कटे हुए, थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए, थोड़े से किशमिश, एक प्याली मखाने, 50 ग्राम चीनी, 2 टीस्पून सौंठ, 100 ग्राम गुड़, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 लौंग, 2 छोटी इलायची, आधा कप देसी घी और 250 ml करीब पानी। एक भगोने में घी डालेंगे, थोड़ा सा घी हम भगार के लिए छोड़ देंगे। घी को गर्म कर लेंगे और इसमें मखानों को तलेंगे। मखानों को हल्की आग पर अच्छे से तल लेंगे। अब मखानों को निकाल लेंगे। अब इसमें किशमिश डालेंगे, इन्हें भी हल्का सा करके निकाल लेंगे। अब इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे लौंग, इलायची और अजवाइन। और हल्दी डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे इसको। अच्छे से चलाकर अब इसमें पानी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे गुड़, चीनी, इसे अच्छे से पकने देंगे। इसमें से गुड़ घुल गया है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। अब इसमें छुहारे डालेंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए हल्की गैस पर पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे खोपरा, काजू, बादाम, किशमिश। अब इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे सौंठ, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसे 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। अब इसमें मखाने डाल देंगे। अब इसे हल्की गैस पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। आपकी अचवानी तैयार है, इसे गर्म गर्म सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।